फ्यूजन फूड तृप्ति में आज मैं बनाने वाली हूँ हेल्दी ओट मिल्क चॉकलेट चिप्स कुकीज़। तो चलिए देखते कैसे बनाते हैं। एक बाउल में बटर लेना है, सॉफ्ट बटर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसी में हम ऐड करेंगे ब्राउन शुगर और नॉर्मली जो हम खाते हैं वो वाइट शुगर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाना है ताकि एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए। करीब 1-2 मिनट तक हम इसे चलाएंगे तो ये अच्छा बैटर रेडी हो जाएगा। अब इसी में हम ऐड करेंगे मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर और मैं 1 टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से छान ले। अब फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा सा सिनेमन पाउडर यूज़ कर रही हूँ यानी कि दालचीनी पाउडर, ये भी अच्छा फ्लेवर देता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे ओट मिल। इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है, ज़्यादा चलाना नहीं है। और थोड़े से चॉकलेट चिप्स मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और करीब 10 मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि हमारा कुकीज़ डो अच्छे से सेट हो जाए। कुकीज़ डो रेडी है, सेट हो चुका है अच्छे से। यहाँ पर मैंने बेकिंग पेपर लिया है। आपके पास अगर नॉन स्टिक ट्रे है ओवन का तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। करीब ओवन को 10 मिनट के लिए आप प्री हीट कर लीजिए और जो शेप आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। ये कुकीज़ काफ़ी हेल्दी है, बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं और काफ़ी हेल्दी भी है। ये कुकीज़ रेडी हो गए। करीब 180 डिग्री सेल्सियस पर आपको इसे 10 से 12 मिनट के लिए बेक करना है। ज़रूर ट्राई कीजिए ओट मिल्क चॉकलेट चिप्स कुकी और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। फिलहाल बने रहिए फ्यूजन फूड तृप्ति के साथ। अच्छा खाएं और अपनी सेहत बनाएं। शुक्रिया।